हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले बहुत बड़ी न्यूज के बारे में, ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से क्या घोषणा की गई है यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर, तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या घोषणा हुई है यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 के बारे में, ठीक है, और किस वेबसाइट से आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक। तो देख सकते हैं आप, जागरण की न्यूज है, यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कब आएगा, यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का रिजल्ट। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, जागरण की न्यूज क्या बोल रही है कि रिजल्ट आप कहां से चेक कर पाएंगे, सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुल 58 लाख परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे। कितने? 58 लाख परीक्षार्थियों ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे, जिसके बारे में आप सारी जानकारी यूपीएमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट में आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट कब जारी होगा, जैसा कि आपको पता होगा कि 18 मार्च से आपके कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट है, जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह यानी 1 या 2 अप्रैल तक चलने वाला है, ठीक है। रिजल्ट ठीक उसके बाद अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, पहले या दूसरे सप्ताह में रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे न्यूज निकल के सामने आ रही है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, ठीक है। और रिजल्ट आप कहां से चेक कर सकते हैं, तो चलिए हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि रिजल्ट आप कहां से आसानी से चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि रिजल्ट के लिए आपको जरूरी क्या क्या है। जैसे कि आपको पता है कि आपके जो पेपर हुए थे 16 फरवरी 2023 से 3 मार्च या 4 मार्च तक चले थे, ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आप कौन सी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप uprizult.nic.in से आप रिजल्ट आसानी से चेक कर पाएंगे। और रिजल्ट आपका पहले अप्रैल के पहले या दूसरे सप्ताह में पूरी तरह से वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा, और वेबसाइट आपकी है uprizult.nic.in। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करना होगा। गूगल में जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट आएगी, उसको आपको टैप करना है। तो फिर क्या करना होगा, जब खुल जाएगी वेबसाइट तो उसमें क्या होता है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए अलग अलग लिंक्स दी हुई होती है। अगर आप हाई स्कूल में तो उसको टैप करना, इंटरमीडिएट में है तो उसको टैप करना, ठीक है, जिससे आप रिजल्ट रोल नंबर डाल के आसानी से चेक कर पाएंगे। तो वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।